नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 17 का आज है शनिवार का वीकेंड का वार और आज के वीकेंड के वार के एपिसोड में होने जा रही है दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री। एक का नाम है यहां पर ईशा मालवीय के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल की, जिनके आने के बाद बिग बॉस सीजन 17 में होने वाला है दोस्तों सबसे बड़ा धमाका। अभिषेक और साथ ही साथ यहां पर जो समर्थ है उनके बीच में बहुत बड़ी फाइट होने वाली है ईशा मालवीय को लेकर। ऐसे में बिग बॉस सीजन 17 के जो सबसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया, मुनव्वर फारूकी ने क्या किया, क्या कहा और साथ ही साथ ईशा मालवीय को लेकर उन्होंने कौन सा कदम उठाया, चलिए यही बात जो है आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। अभिषेक और समर्थ की लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, गंदी लड़ाई होने वाली है ईशा मालवीय को लेकर। दरअसल में समर्थ जब एंट्री करते हैं वो ईशा से पूछते हैं कि हम लोगों ने डेट किया है पूरा का पूरा एक साल। इसके बाद यहां पर ईशा मालवीय जो है वो झूठ बोल देती है और कह देती है कि हमने कब एक दूसरे के साथ जो है डेट किया। और अभिषेक कुमार जो हैं वो पहले से जानते थे कि ईशा और समर्थ जो हैं एक दूसरे को डेट करते हैं और समर्थ को देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ते हैं और समर्थ से वो जाकर भिड़ जाते हैं। अब समर्थ यहां पर ईशा को ही झूठा बोल देते हैं और अभिषेक से लड़ पड़ते हैं। अब आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ईशा मालवीय भी काफी ज्यादा जो है डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि दो बंदे ऐसे हैं जो कि उनकी वजह से जो है वो लड़ रहे हैं। ऐसे में मुनव्वर फारूकी जो हैं ईशा मालवीय के पास पहुंचते हैं, ईशा मालवीय को जो हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं कि ईशा देखो तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और साथ ही साथ तुम जो यहाँ पर तुम्हारा जो झूठ जो है वो बहुत बड़ा अंगारा जो है वो बन सकता है। तुमने कहा कि तुमने डेट नहीं किया यहां समर्थ को, लेकिन हमें पता चल रहा है कि समर्थ और तुमने डेट एक साल से जो है तुम लोग कर रहे थे। अब तुम्हारी उम्र जो है वो काफी कम है और तुम्हारी उम्र काफी नाजुक है और इस उम्र में इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ईशा तुम्हें समझना होगा, ईशा तुम्हें जानना होगा, तुम अभी सिर्फ और सिर्फ महज 19 साल की हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं है कि तुम्हें करियर में कहां तक जाना है, कैसे जाना है और तुम्हें क्या चीज को जो है वो पकड़कर आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते जो है मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये जो तुम बोल रही हो ना, ये जो तुम्हारा जो स्टेटमेंट्स निकल रहा है ये बहुत ही तुम्हारे करियर के लिए जो है नुकसान है ईशा। ये बात जो है वो कहते हुए नजर आते हैं, बड़े भाई की तरह जो है ईशा को जो है समझाते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ ईशा को कहते हैं कि तुम पॉजिटिव रहो और साथ ही साथ तुम कोई भी गलत कदम तुम मत उठा लेना, क्योंकि इस उम्र में जो है इस तरीके की गलतियां होती रहती हैं, तुम्हें पॉजिटिव रहना है और जो है उसे तुम एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये बात जो है बड़े भाई की तरह मुनव्वर फारूकी ईशा मालवीय को जो है वो समझाते हैं। तो कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हैं मुनव्वर का ये रूप देखकर, कमेंट के जरिए आप हमें ये बात जरूर बताएं।